नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट्स। आप सबको ओ लेवल और ए लेवल के रिजल्ट्स की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वेट कर रहे थे कि चिल्ड्रंस डे के लिए कुछ नया ऑफर आएगा, ताकि वो लोग अपने प्रोजेक्ट्स और जिनका पेपर पेंडिंग है वो सभी पेपर्स के लिए बाई कर सके पेड कोर्स। साथ ही साथ जो यूपीपीसीएल के बच्चे हैं जिनका एग्जाम्स है नेक्स्ट जनवरी फरवरी में, उनके लिए भी। तो ये वीडियो स्पेशली बनाया गया है ऑफर को बताने के लिए। साथ ही साथ आप लोगों में जिन लोगों का रिजल्ट ओ और ए लेवल का आया है लेकिन रिजल्ट सेटिस्फाई नहीं है, तो वो लोग कॉपी को कैसे रीचेक या रीटोटल कराएं उस संदर्भ में, चलिए वीडियो को पूरा देखिए। साथ ही साथ आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं, इन कमेंट्स को लेकर बहुत सारा थैंक्स, बहुत सारी विशेस। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों का ओ लेवल का कोर्स या ओ लेवल के एग्जाम्स बहुत दिन से पेंडिंग था और वो लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और जैसे ही ओ लेवल का सर्टिफिकेट, जैसे ही हमारे पास नोटिफिकेशन आएगा, मैं आप लोगों को सर्टिफिकेट्स की पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, आप लोग वो सर्टिफिकेट वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। आपको एक छोटी मोटी और भी इन्फॉर्मेशन दे दें, जैसे कि आप लोगों ने अगर आइस एकेडमी बाई मिनेश ये ऐप डाउनलोड कर रखा है हम लोगों का, तो इस ऐप के अंदर स्टोर सेक्शन पे चले जाइएगा और स्टोर सेक्शन पे आप लोग टाइप करिएगा इन्फो। जैसे ही आप इन्फो लिखेंगे तो आप लोगों को एक कोर्स दिखाई देगा जिसका नाम ही है इन्फॉर्मेशन। इस कोर्स को ओपन कर लीजिएगा। इस कोर्स के कंटेंट में आप लोगों को कुछ फॉर्म्स मिलेंगे जो नेलेट की तरफ से हैं और इन फॉर्म्स को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इनमें आपको रीटोटलिंग रीचेकिंग का भी फॉर्म मिल जाएगा, उसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूं। साथ ही साथ आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप लोग किसी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट के थ्रू कर रहे हैं अपना ओ लेवल और ए लेवल, और साथ ही साथ आप लोग SC ST हैंडीकैप या गर्ल्स कैंडिडेट हैं, गर्ल्स में कोई भी क्राइटेरिया हो यानी जनरल OBC सभी, तो आप लोग ओ लेवल और ए लेवल में स्कॉलरशिप के लिए भी अपना फॉर्म अवेल करा सकते हैं। स्कॉलरशिप का जो पूरा वीडियो है हम लोग ऑलरेडी पहले से बना के डाल रखा है, बस आप लोगों को उसको देखते हुए इंस्टीट्यूट को अपना पूरा डिटेल देना है और स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवा देना है। स्कॉलरशिप के लिए मैं आपको बता दूं कि ओ लेवल के लिए 12,000 और ए लेवल के लिए 30,000 की स्कॉलरशिप है जो दो बार में आती है, छह महीने यानी कि दो इंस्टॉलमेंट में 6,000 रुपए की, जिसका कहने का मतलब यह है कि अगर आपने दो पेपर पास कर लिए तो आपको 6,000 और फिर दो पेपर पास कर लिए तो 6,000। लेकिन स्कॉलरशिप के कुछ नॉर्म्स हैं और वो नॉर्म्स ये हैं कि आपका फॉर्म जो है इंस्टीट्यूट कैंडिडेचर में होना चाहिए, डायरेक्ट में नहीं, और आपकी कैटेगरी में बता चुका हूं। फिलहाल उसके बारे में मैं ऑलरेडी पूरा वीडियो अपने चैनल में अपलोड कर चुका हूं। आपको बस इतना बताना चाहते हैं कि आप लोगों का जो रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट आने के बाद नेलेट ने कहा है कि आप लोगों को विदिन 45 days ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आप लोगों को स्कॉलरशिप फॉर्म्स अपने इंस्टीट्यूट के थ्रू फॉरवर्ड करवा देना है। तो अगर आप लोगों ने हमारे इंस्टीट्यूट के थ्रू अपने फॉर्म भरे थे और आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो गए हैं, तो मैंने जैसा वीडियो में आप लोगों को बताया है स्कॉलरशिप का लेकर, आप अपना आधार और बाकी इन्फॉर्मेशन अपलोड कर दीजिए ताकि आप लोगों के स्कॉलरशिप का फॉर्म हम यहां से अप्रूव कर सकें। पहली तो ये इंफॉर्मेशन। दूसरी, अब अगर आप लोगों को अपना रिजल्ट सेटिस्फाई नहीं लग रहा तो आप लोग रिजल्ट की रीटोटलिंग और रीचेकिंग भी करवा सकते हैं। रीटोटलिंग का मतलब होता है आपके नंबर्स जो हैं वो रीटोटल किए जाते हैं। इसका फॉर्म आप लोगों को नेलेट की साइट पर ऑलरेडी मिल जाएगा, आप गूगल कर लीजिए रीटोटलिंग और रीचेकिंग के लिए, तो यहां पर आपको ये पूरा फॉर्म्स विथ इंफॉर्मेशन के साथ आप लोगों को पूरा मिल जाएगा, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिए। सेम इसी तरह फॉर्म रीटोटलिंग का और रीचेकिंग दोनों का है। रीटोटलिंग में सिर्फ नंबर टोटल होते हैं और रीचेकिंग में आप लोगों को नेलेट कॉल करता है। आपको नेलेट कॉल करने के साथ साथ आप लोगों को दिल्ली जाकर वहां पर कॉपीज चेक कराई जाती हैं और उसके बाद आप लोग अपना जो भी क्लेम है वो कर सकते हैं। दूसरी चीज, हो सकता है इस बार से रीचेकिंग के लिए नेलेट आपको ऑनलाइन ही रीचेक करा दे, लेकिन ये अभी पूरी तरीके से फाइनलाइज नहीं है कि रीचेकिंग के लिए, जो पुराना पैटर्न है उसमें मैंने आपको बताया कि रीचेकिंग के लिए नेलेट आपको दिल्ली बुलाते हैं और वहां पर आपकी कॉपीज आपको दिखाई जाती है। इस बार का जो सीन होगा, क्योंकि ओमार पर हो गया है सारा कुछ, तो हो सकता है कुछ बदलाव हो, आप लोगों की कॉपीज ऑनलाइन ही चेक करा दी जाए एक पर्टिकुलर डेट पे। इसका रिजल्ट भी आप लोगों को साइट पर ईमेल पर आपको सूचित कर दिया जाता है। खैर, इसका फॉर्म आपको भर देना है। फॉर्म भरने के साथ साथ आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो पूरी डाल देनी है। जो रीटोटलिंग की फीस है वो आप लोगों को यहाँ पे दी गई है 200 रुपीज, वो ऑनलाइन पेमेंट होगी, वो भी इस दिए गए नंबर्स पर। आप लोग इस अकाउंट नंबर से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं उसका डिटेल, और साथ ही साथ ये पूरा का पूरा फॉर्म विथ पूरी एनक्लोजर लगा के आप लोगों को इसमें तो दिया गया है, आप हेडक्वार्टर को भी भेजिए, लेकिन आजकल हेडक्वार्टर्स के साथ साथ
नॉर्मली नेलेट प्रेफर करता है कि आप ऑनलाइन ही सब कर दीजिए, तो आप लोग इसको ऑनलाइन ईमेल कर दीजिए जैसा कि इसमें पूरा दिया गया है। अब एक चीज और आपको मैं बता दूं कि इसमें से अगर आप कंफर्म है, कंफर्म का मतलब है अब डिस्प्यूट ज्यादा हो जाएगा। पहले तो ये रहता था कॉपीज थ्योरेटिकल होती थी तो आप चेक कर सकते थे, अब जो आपके नंबर्स हैं वो आप लोग जानते ही हैं कि उसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन है, तो आप लोगों के अगर थ्योरी में आप पास हैं लेकिन प्रैक्टिकल में अगर आप फेल हैं तो भी आप फेल होंगे, और अगर आप प्रैक्टिकल में पास हैं और थ्योरी में फेल हैं तो भी आप फेल होंगे। थ्योरी वाले नंबर्स की रीटोटलिंग तो पॉसिबल है लेकिन प्रैक्टिकल की नहीं। यहाँ पे थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम नजर आती है, जैसा नेलेट पूरी तरीके से पारदर्शी है थ्योरी और ओमार को लेकर, वैसे ही प्रैक्टिकल में भी होना चाहिए। प्रैक्टिकल की भी आंसर्स कॉपीज को खोने के लिए सुविधा नेलेट को देनी चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है अगर फ्यूचर में कभी आप लोग ये वीडियोस देखें नेलेट पर्सन्स, तो आप लोगों के जो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं उनकी भी कॉपीज बच्चों को रीस्कुट या फिर रीटोटलिंग या रीचेकिंग के लिए सुविधा अवेल कराएं, क्योंकि प्रैक्टिकल में बहुत धांधली होती है और इसको लेकर बहुत सारे बच्चों के कॉमेंट्स हैं। अगर आप भी कभी प्रैक्टिकल की धांधली में फंसे हैं या आपको लगा है तो इस वीडियो के नीचे जरूर कॉमेंट करिए, मैं आपके कॉमेंट्स को हाईलाइट करके दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियोज में। तो बच्चों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी साइट थोड़ी बिजी चल रही है तो मैं आपको रीचेकिंग वाला जो पीडीएफ है वो ओपन करके नहीं दिखा पा रहा। ओके, अब मुझे फॉर्म भी मिल गया है, तो अगला फॉर्म है वो है आप लोगों का आंसर शीट जो है उसके डिस्क्लोजर का। तो जो आपने आंसर शीट्स जो आप लोगों ने ओमार लगाई थी उसको डिस्क्लोजर करने का। रीटोटलिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों को आंसर शीट दिखाई नहीं जाएगी, आपको सिर्फ मेल पर बता दिया जाएगा कि आपके नंबर्स प्लस हुए या माइनस हुए। आंसर्स के डिस्क्लोजर के लिए नेलेट ने कहा है कि आप लोग आंसर से इसका डिस्क्लोजर करा सकते हैं। इसके लिए आपको 500 रुपीज की पेमेंट देनी होती है ईच सब्जेक्ट की, और उसके साथ साथ ये पेमेंट आपको वही सेम बैंक अकाउंट दिया गया है, और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आप अपने इस तरीके का कैंडिडेट का नाम रोल नंबर, इन्होंने पूरा एक फॉर्म दिया है ये रहा, इस फॉर्म को पूरा भर दीजिए, और इस फॉर्म को भरने के साथ साथ इसके दी गई पर्टिकुलर एड्रेस पर भी और विद इन 30 डेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, 30 दिन के अंदर ही आपको ये पूरा करना है। ये पूरा फॉर्म भरिए, फीस दे दीजिए और इसको मेल कर दीजिए, और साथ ही साथ इस एड्रेस पर डिस्पैच भी कर दीजिए। इसमें एक चीज और लिखी गई है, इसमें दिया भी गया है कि आप लोगों को कैंडिडेट को कॉन्टैक्ट किया जाएगा उसके दिए गए फोन नंबर और ई मेल एड्रेस पर, और आपको डिस्क्लोजर के लिए हो सकता है न्यू दिल्ली में इंस्पेक्ट करने के लिए आपको बुलाया जा सके। आपको कोई थर्ड पर्सन अलाउ नहीं है जैसा कि इन्फॉर्मेशन है। ये पूरा फॉर्म आपको मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को ये विद इन 30 डेज क्लेम करना होगा। ये सारे फॉर्म मेरे जो एप्लीकेशन है ICE Academy उसके अंदर इन्फो नाम का जो कोर्स है वहाँ पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप कंटेंट पर जाइए और यहाँ पर जाकर आप लोग देख पाएंगे कि कंटेंट में जो PDF दिए गए हैं इंपॉर्टेंट फॉर्म्स, उसी में यहाँ पर डिस्क्लोजर का भी और रीटोटलिंग का फॉर्म दिया है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए अगर इन केस आपको नेलेट के गूगल करने से नहीं मिल रहा है। स्कॉलरशिप के लिए भी ये पूरा दिया गया है, प्लस इसका पूरा वीडियोस भी इसी में अवेलेबल है जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अब चलिए ऑफर की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग जैसे ही ICE Academy by Minesh ऐप ओपन करेंगे आपको नीचे स्टोर सेक्शन दिखाई देगा, आप स्टोर सेक्शन पे चले जाइए और आपको जितने भी कोर्सेज हैं वो सभी के सभी इसमें एक के बाद लिस्टेड हैं। अगर कोर्सेज ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो ऊपर सर्च में आप जाइए और सर्च में आप लोग टाइप कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को M1 कोर्स लेना है ओ लेवल का, तो आप जैसे ही M1 लिखेंगे यहाँ सर्च लिस्ट में आपको M1 कोर्स दिखाई दे जाएगा। M1 की कॉस्ट यहाँ 450 रुपीज लिखी हुई है, लेकिन जैसे ही आप लोग इस कोर्स को ओपन करेंगे, आपको ओपन करने के बाद इसके अंतर्गत आपको कूपन अप्लाई करने का ऑप्शन खुल जाएगा। सिक्योरिटी रीजंस के कारण ये ब्लैक हो रहा है, मैं आपको वेब पोर्टल पे दिखाता हूं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अपने मोबाइल ऐप में आपको कोर्स के प्राइस 450 दिखा रहा है, लेकिन इसमें 50% जैसे ही आप कूपन लगा देंगे आपको इसके डिस्काउंट 50% हो जाएगा। बच्चों इसी तरीके से आप लोगों को अगर प्रोजेक्ट लेना है तो आप प्रोजेक्ट भी इसी तरीके से बाय कर लीजिए। ओ लेवल में प्रोजेक्ट्स की बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का रिजल्ट आ गया है और अब आप लोगों को प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो जो बच्चों के पास प्रोजेक्ट नहीं है या किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू है या फिर आप प्रोजेक्ट बनाने में समर्थक नहीं है या तो किसी भी तरीके से, तो ये प्रोजेक्ट वाला कोर्स ले लीजिए 50% डिस्काउंट पर, ये भी आपको मिल जाएगा। एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने हमारे पुराने कॉम्बो कोर्स लिए थे, तो उन कॉम्बो कोर्स में हमने बोला था कि आप लोगों को प्रोजेक्ट
फ्री में अवेलेबल होगा। तो बिल्कुल सही है, हम लोग अपनी बात पूरी रखेंगे। तो जिन बच्चों के पास जुलाई का कॉम्बो कोर्स है और वो अपना प्रोजेक्ट अब जमा कराना चाहते हैं, तो वो अपने जुलाई वाले कॉम्बो कोर्स की रिसीट और नेलेट के प्रोजेक्ट की जो फीस है 100 रुपीज, दोनों की PDF इसी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर दीजिएगा, तो आप लोगों का प्रोजेक्ट हम समय रहते जमा करा देंगे। तो बच्चों ये ऑफर बहुत बढ़िया है। आप में से जो बच्चे UPPCL या इत्यादि इन कोर्सेज के बारे में भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, खासकर जिनकी वैकेंसीज आई हुई हैं असिस्टेंट अकाउंटिंग और UPPCL असिस्टेंट RO/RO एग्जीक्यूटिव, ये सब भी कोर्सेज के लिए ले सकते हैं। CCC या ECC, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इस समय गवर्नमेंट ने CCC की जगह CCC+ को प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया है। कई ऐसी वैकेंसीज आई हैं जिसमें CCC+ और ECC यानी कि 6 मंथ के सर्टिफिकेट कोर्सेज मांगे जा रहे हैं। उन कोर्सेज को लेकर हम एक सेपरेट वीडियो भी बनाने वाले हैं और आप उन कोर्सेज को हमारे इंस्टीट्यूट से भर भी सकते हैं। तो ये सारे ऑफर्स के बारे में जानकारी थी, फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो कॉमेंट में जरूर लिखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक, कीप वॉचिंग, गुड बाय।